तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार में होने वाली कृषि विभाग के अंतर्गत लगभग 1500 पदों पर भर्ती बहाली नियुक्ति के बारे में। जी हाँ, आज की लेटेस्ट खबर है, देख पाएंगे प्रभात खबर की ओर से ये जो है न्यूज़ अपडेट किया गया है। दिन मंगलवार 17/12/2021 की खबर ये आप लोग को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो कृषि विभाग है उनकी ओर से 1500 पदों पर नियुक्तियाँ होनी है। तो किन किन पदों पर नियुक्तियाँ होगी वो पहले यहाँ पे जान लीजिए। देख पाएंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लगभग जो है 856 पदों पर नियुक्ति होगी। वही कृषि समन्वयक के लगभग जो है 354, क्षेत्र जो है सहायक के 141 और पर्यक्त सहायक के 109, संख्यकिक जो है समकन के 14। इन टोटलों को मिला के 1500 पद है। इन पदों पर नियुक्तियाँ अभी आप लोग का बहालियाँ होनी है, जिसको लेकर जिलेवार सूचना यहाँ पे दी गई है। पटना जिला में टोटल पद कितने हैं 44, वही आप लोग देख पाएंगे किशनगंज में 52, पश्चिमी चंपारण में 48, जहानाबाद में 14, वही देख पाएंगे गया में 43, सिवान में 40, खगड़िया में 30, वही मुजफ्फरपुर में 53, भोजपुर में 30। कुल मिला के ये आप लोग का जिलावार पदों की रिक्तियां है, किस जिला में कितने आप लोग का जो है पद आप लोग का खाली है। इसके अलावा आप लोग को बता दें रिक्तियों की जो है पदवार समीक्षा के बाद ये निर्देश अभी जारी किया गया है। जो उप निर्देशक है कृषि विभाग के, उन्होंने कहा है कि अभी क्षेत्रीय कार्यालय से संयापक बनाकर 15 दिन में जो है कृषि विभाग में रिक्त पदों की उनकी नियमावली एवं रोस्टर से संबंधित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तैयारी कराया जा रहा है। तो अभी ये खबर प्रकाशित हुई है पेपर के माध्यम से, जैसे ये नोटिफिकेशन न्यूज़ फिर निकल के आएगी हमने आप लोग को आगे की खबर बताएंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अत्यधिक जानकारी डिटेल्स दी गई है इस पेपर कटिंग में, पेपर कटिंग को डाउनलोड करके अत्यधिक जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। पेपर कटिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज पे हमने शेयर कर दिए। धन्यवाद।